हाय फ्रेंड्स, मैं अनसूर्या है और आज मैं बात करूंगा रुस्तम मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। जी हाँ, मैं फर्स्ट डे से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात कर रहा हूँ रुस्तम के, क्योंकि काफी ज्यादा जो उसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उसमें काफी इजाफा हुआ है। अब छठे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ गया है, जो छठे दिन का जो आंकड़ा है वो है 6.38 करोड़। जो छठे दिन के आंकड़े के बाद जो टोटल हो चुका है रुस्तम का वो हो चुका है 82.28 करोड़, यानी कि सिर्फ 18 करोड़ अब फिल्म को बाकी है 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने के लिए। आपको बताया था इसकी एक अच्छी शुरुआत रही थी, फिल्म की स्टार्टिंग में ही फिल्म ने 14 करोड़ कमाए थे, दूसरे दिन फिल्म ने 16 करोड़ के ऊपर का बिजनेस किया था, तीसरे दिन 19 करोड़ के ऊपर का, उसके बाद 17 करोड़, उसके बाद 7 करोड़ के ऊपर का बिजनेस, और ये जो आंकड़ा मैंने आपको बताया 6.38 करोड़ का, इसके बाद जो टोटल आपको बताया 82 करोड़ हो चुके हैं। तो फिल्म एक अच्छी चल रही है, एक अच्छी स्टार्ट फिल्म ने ली थी। फिल्म का देखो सबसे बड़ी बड़ी बात यह थी कि मुझे इतना नहीं लग रहा था कि ये फिल्म 100 करोड़ तक तो जाएगी, क्योंकि इसका मुकाबला था मोहनजोदड़ो से, बट मोहनजोदड़ो उतनी बेहतर नहीं चल पाई, जिस वजह से रुस्तम को इसका पूरा फायदा मिला है। रुस्तम हिस्टोरिक फिल्म उतनी नहीं है, बट कहीं ना कहीं एक वन ऑफ द हिस्टोरिकल केस पे बेस्ड थी, के एम नानावटी 1959 वाले जो केस पे बेस्ड थी, तो उसके बाद से ही लोगों को लग रहा था कि फिल्म में कुछ अलग जरूर है, शायद उतना चीजें ना हो, बट लोग जब देखे इस फिल्म को उसके बाद फिल्म लोगों को पसंद आई है और अक्षय कुमार भी काफी खुश है। आपको बता दूं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, अक्षय कुमार के लिए आपने देखा होगा 8-10 दिन से ही सभी फिल्मी सितारे, चाहे आलिया भट्ट हो, सोनम कपूर हो, सोनाक्षी सिन्हा हो, अपनी तरह से रुस्तम को सबने प्रमोट किया था। और हाल ही में अक्षय कुमार ने भी अपना एक इंस्टा पे पोस्ट डाला है जहां पे वो रोलर स्विंग कर रहे हैं टायर का, जिसे ट्यूब लेके ऐसा घूम रहे हैं, और इस तरह से सबको थैंक्स कहा है अक्षय कुमार ने। तो एक कहीं ना कहीं अक्षय कुमार भी काफी खुश है रुस्तम से। उनकी पहली फिल्म आपको पता ही है 100 करोड़ पार कर चुकी थी एयरलिफ्ट, सेकेंड फिल्म हाउसफुल थ्री थी जिसने भी 100 करोड़ पार किया था, अभी तीसरी फिल्म होगी भाई उनकी, अक्षय कुमार तो कम करीबन करीबन छा गए पूरे बॉलीवुड पे। पिछला साल भी उनके लिए बहुत सही था और इस साल भी वो धमाल कर रहे हैं। अब उनका जो एक हमने खबर सुनी है कि क्रैक मूवी में आएंगे 2017 में, तो हम वही उम्मीद कर सकते हैं कि वो अच्छी से अच्छी फिल्में दे हमें और हमें इसी तरह एंटरटेन करते रहे, क्योंकि आखिरकार वो तो खिलाड़ी कुमार है। अब मैं सीधे साधे अक्षय अक्षय, कुछ और बॉलीवुड खबरें पता चलेगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, तब तक के लिए।